रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ डॉक्टर ईसा का बेहतरीन उपटन का नुस्खा लेकर आए हैं, जो कि 10 से लेकर 100 साल तक के लड़के और लड़कियों के लिए है। ये उपटन लड़के या मर्द भी बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरे जिस्म के लिए है। इससे आप चेहरे के अलावा गर्दन, हाथों, पैरों, कहनियों वगैरह पर जहाँ जहाँ आपको रंगस या महसूस हो, वहाँ से बगैर किसी परेशानी के लगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ऐसा करिश्माती असर होगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। और इसकी पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद ही लोग ये पूछेंगे कि आपने कौन से पॉलर से अपना फेशियल करवाया है, क्योंकि इसका जादू असर आपको हसीन दमकती रंगत अता करेगा। हर निकल कर रंगत झुलस गई है, चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं, तो लड़के लड़कियों के लिए ये किसी महंगे ट्रीटमेंट से कम नहीं है। घर से बाहर आकर काम के लिए या नौजवान लड़के लड़कियाँ अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं या जॉब के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, तो इसमें इनकी रंगत बिल्कुल झुलस जाती है, जिसको बहाल करने के लिए वो महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं या कॉलर्स से फेशियल करवाते हैं। और अगर किसी लड़के या लड़की की शादी करीब हो तो वो और ही टेंशन में होते हैं। अब तो खासे महंगे डर्मा ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ये ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके लिए हम यहाँ बहुत ही अच्छा डॉक्टर ईसा का बताया हुआ नुस्खा लेकर आए हैं। उपटन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उसकी चीज़ें आप नोट कर लें। पीली सरसों चाहिए होगी हमें 5 ग्राम, हल्दी चाहिए होगी 50 ग्राम, चने 100 ग्राम, चिरौंजी 25 ग्राम, टैल्कम पाउडर 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर पीस लें और बिल्कुल पाउडर बना लें। खुश्क जिल्द वाले इसको दूध के साथ मिलाकर लगाएं। चिकनी जिल्द वाले या एक्नी वाले, जिनकी जिल्द चिकनी है या चेहरे पर एक्नी है, वो लोग इसको दही के साथ मिलाकर लगाएं। इसको चेहरे, गर्दन और हाथ पैरों पर लगाकर 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद धो लें। इसके बाद आप अपनी रंगत देखेंगे तो आपको खुद पे प्यार आ जाएगा। ऐसा निखार आपके ऊपर किसी फेशियल से भी नहीं आया होगा, जो इस उपटन से आएगा, और इसका बाकायदा इस्तेमाल आपकी जिल्द के तमाम मसाइल हल कर देगा। रेमेडी हमारी ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।